सत्तासीन कांग्रेस की ओर से पूरी ताकत झोंक दिए जाने के बावजूद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत जिला परिषद और वार्ड पार्षद के चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। जीत के बाद बीजेपी के दोनों विजेता प्रत्याशियों ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के आवास पर पहुंचकर जश्न में हिस्सा लिया के बीजेपी की ये जीत इसीलिए भी मायने रखती है क्योंकि जिला परिषद की भीड़ बघेड़ा जिला परिषद वार्ड से मौजूदा विधायक कैप्टन रंजीत राणा की ओर से सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव हुआ था और विधायक ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बनाया ही था, साथ ही साथ सत्ता का पूरा तंत्र भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में जुटा था। लेकिन यहाँ बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण ठाकुर ने जीत अर्जित कर बीजेपी को दोहरी खुशी मनाने का मौका दे दिया। मैं दोनों कैंडिडेट्स को बधाई देता हूं कि जहां पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट नीरजा ठाकुर जी भारी मतों से सुजानपुर नगर परिषद के 7 नंबर वार्ड से जीती हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं। और आज जिला परिषद का जो उपचुनाव हुआ है, क्योंकि हाल ही में भी उपचुनाव हुए हैं और वो कैंडिडेट के वहाँ से वो सीट जो है वो खाली हुई थी और आज फिर से आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रवीण ठाकुर जी ने वहाँ से जीत दर्ज की है। मैं जहाँ प्रवीण ठाकुर जी और नीरजा जी को बधाई देता हूँ, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल को और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता इस चुनावों में इनमें जुटे थे उनको सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो आने वाले लंबे समय के लिए यहाँ लहराया जाएगा।